नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैक विद इन्फी इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ 2019 बैच। हाँ दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हो तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स के बारे में जल्दी से जल्दी पता चल सके। तो दोस्तों चलिए और देखते हैं इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो दोस्तों, हे श्रेय, गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू दोपहर के वक्त हुआ था, और ये फेस टू फेस था, जब हमारे टाइम, जब उस टाइम पर कोविड जैसी कुछ भी चीज नहीं थी। तो दोस्तों, इस इंटरव्यू में टेक्निकल प्लस एचआर दोनों डिस्कस करने वाला हूं। इस बंदे का एक ही इंटरव्यू हुआ था, इससे पहले था हे श्रेय, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, हैड योर लंच। उसने पूछा कि आपने लंच किया है या नहीं, नो सर। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसने तो नो सर बोला, बट हम जनरली यस सर बोलते हैं, क्योंकि हम जब भी इंटरव्यू पे जाते हैं सो वी आर लाइक एनर्जाइज होते हैं कि हाँ सर, वो पूछते हैं लंच खा लिया, अब तो एनर्जाइज हो। तो इसने नो सर बोला, बट ट्राई कीजिएगा हर चीज में यस बोलिएगा, उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने उसके बाद कहा था ओके देन, अदरवाइज वो ओके नहीं बोलते, बोलते अब तो तुम अच्छे से तैयार होंगे। चलो ठीक है दोस्तों, ओके देन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इस बच्चे ने अपना पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद था ही सॉ हिज रिज्यूमे एंड आस्क्ड व्हाई आई गॉट लेस मार्क्स इन बीटेक व्हेन कंपेयर्ड टू 10th एंड इंटरमीडिएट। सर, आई फोकस ओनली ऑन टेक्निकल एजुकेशन ड्यूरिंग माई स्कूल एंड कॉलेजेस, आफ्टर कमिंग टू बीटेक प्रैक्टिकल एजुकेशन केम इन टू पिक्चर, सो माई फोकस शिफ्टेड टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एजुकेशन, दैट्स व्हाई देयर इज स्लाइट डिक्रीज इन माई एकेडमिक परफॉर्मेंस। दोस्तों बहुत होता है कि बीटेक में आने के बाद स्कूल एजुकेशन और बीटेक एजुकेशन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। बीटेक में हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, लाइक जो कॉपी में जो टीचर लिखवाते हैं वो बहुत रेयर है कि पूछा जाए। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, लाइक हमें सब कुछ आना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसने सी बताया। और अगर आपको दो या तीन लैंग्वेजेस आती हैं तो दोस्तों प्लीज उसको मेंशन कीजिए, वो भी बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। दोस्तों नेक्स्ट है एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन बताना था। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड रिडंडेंट डेटा, सिंपली वी कैन से दैट रिमूविंग और क्लीनिंग डेटा दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में आपको नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग बताना था, ये भी श्रेय ने बहुत अच्छे से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टेल मी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, 1NF, 2NF, 3NF, इसमें बस आपसे डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स पूछे थे, उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए उस समय नहीं बोला था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, दोस्तों व्हाट लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज डू यू नो, उसने बोला था ही आंसर्ड बिग डेटा एनालिटिक्स। दोस्तों अगर आपको कुछ भी आता है, अगर बिग डेटा एनालिटिक्स नहीं तो मशीन लर्निंग, आपको आपने AI पे कुछ काम कर रखा हो, AWS पे कर रखा हो, टैबलो पे कर रखा है, Salesforce पे, अगर आपने कुछ भी अदर टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रखा है तो प्लीज उसको बहुत कॉन्फिडेंटली बोलिए, यस सर आई हैव डन इट, लाइक श्रेय ने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला बिग डेटा एनालिटिक्स। उससे फिर पूछा एक्सप्लेन अबाउट बिग डेटा, तो उसने बहुत ही अच्छे से बिग डेटा को बताया। बिग डेटा रेफर्स टू ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट कांट बी प्रोसेस यूजिंग नेचुरल प्रोसेसिंग टेक्निक्स, इन ऑर्डर टू प्रोसेस बिग डेटा मेनी टेक्निक्स एंड फ्रेमवर्क्स आर यूज्ड, आई गेव सम रियल लाइफ एग्जांपल्स अबाउट बिग डेटा। दोस्तों होता क्या है, जब आप कोई न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सामने वाला इंटरव्यूअर होता है, कोशिश कीजिए उसका भी आप पता करके आइए, जैसे आपके दोस्त के चल रहे हैं उससे क्या आता है, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। कभी कभी इंटरव्यूअर को नहीं पता होता थी टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो वो सिर्फ आपसे मीनिंग पूछता है, वो इतना डेप्थ नहीं जाता। ऐसे ही इसके साथ हुआ, इतना डेप्थ नहीं पूछा था, सिर्फ बिग डेटा के बारे में पूछा, और उसने एग्जांपल्स बताए क्योंकि उसने उस चीज पर काम कर चुका था। हैव यू डन एनी एकेडमिक प्रोजेक्ट, आपने कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट कर रखा हो दोस्तों थर्ड ईयर में, तो उसको मेंशन जरूर कीजिए। ही डेवलप्ड अ सिंपल स्टैटिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो, तो बहुत अच्छी बात है आपने एंड्रॉइड पर कुछ काम कर रखा है अपने बीटेक में, तो वो भी बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है, एंड प्रोजेक्ट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वेटेज डाल ही देता है आपके इंटरव्यू में। नेक्स्ट था एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, फिर सिंपल उन्होंने बोला एक्सप्लेन कीजिए अपना प्रोजेक्ट, और एक्सप्लेन करते में दोस्तों ध्यान रखिएगा वो इतना डेप नहीं जाएंगे, वो आपसे आपकी प्रॉब्लम्स पूछेंगे कि आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, और आपसे पूछेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट को और कहाँ तक इम्प्रूव कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और एक क्वेश्चन और होता है दोस्तों, अगर ये आपका टीम प्रोजेक्ट है तो वो आपसे ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं आपका इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, कि आपने कितना पार्ट किया, हमें वो समझाइए, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि आपके दोस्तों ने क्या आपकी हेल्प की थी। नेक्स्ट, व्हाट इवेंट्स हैव यू कंडक्टेड इन योर कॉलेज,
सो बहुत कॉलेजेस होते हैं जो इवेंट्स के अगेंस्ट होते हैं, बट सीइंग इंटरव्यू लाइक हिम ही सेइंग कि आपने कौन सा इवेंट कंडक्ट किया है कॉलेज में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी मैनेजरियल स्किल्स को जज करता है कि कैसे आप मैनेज करते हो चीजों को, कैसे आप लोगों के साथ बातें करते हो, क्योंकि कंडक्टिंग एन इवेंट इन कॉलेज इज नॉट इजी बिकॉज यू हैव टू कॉन्टैक्ट मेनी पीपल, लाइक बहुत चीजें सेटअप करनी होती है, ऑडियंस लानी होती है, सो इट्स नॉट एन इजी जॉब, ये भी बहुत बहुत ट्रिकी जॉब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, व्हाट रिक्वायरमेंट्स वुड यू गैदर इफ अदर कॉलेज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अटेंड द इवेंट, एक्सप्लेन हाउ यू विल मेक देम टू अटेंड योर कॉलेज इवेंट। अब दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आप क्या आंसर दोगे? देखो, व्हाट रिक्वायरमेंट्स वुड यू गैदर इफ अदर कॉलेज स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गोइंग टू अटेंड द इवेंट, आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी होंगी अगर दूसरे कॉलेज के बच्चे आपका इवेंट अटेंड करते हैं, और कैसे उनको अटेंड करवाओगे? तो उसमें सबसे अच्छा आप दे सकते हो कि अगर आपका टिकट, अगर आपने 100 रुपए का टिकट रखा है, होना चाहिए था 50 रुपए का, 100 रुपए का रखिए, और उस 100 रुपए में से 50 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा लिए उनको बोलिए कि हम 50 रुपए के आपको स्नैक्स देंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे अट्रैक्ट होते हैं। आप क्या ऑडियंस बोला, आप किसको बुला रहे हो उससे अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप कोई यूट्यूबर को बुला रहे हो, बड़े यूट्यूबर को बुला रहे हो, तो ऑब्वियसली बहुत भीड़ आने वाली है, आप उनको और कैसे अटेंड कर सकते हो कि भाई उसमें डांस भी होगा, ये भी होगा, 3 घंटे का इवेंट है 100 रुपए में, तो आपको कहीं ना कहीं स्कीम्स निकालनी है, बहुत सोचना पड़ता है एक इवेंट को करवाने में कि आप क्या क्या चीजें उनसे करवा सकते हो। ये सब कुछ आपकी मैनेजरियल स्किल्स चेक करता है कि बंदा कितना मैनेज और कैसे सामने वाले को टैकल कर सकता है। दिस ऑल कम्स टू लाइक बिजनेस टैकलिंग स्किल्स कि कैसे बंदा बात करता है। और नेक्स्ट था दोस्तों, आर देयर एनी क्वेश्चंस टू मी, ये इंटरव्यूअर ने लास्ट में पूछा, और दोस्तों इसका हमेशा ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इंटरव्यूअर से जरूर पूछिए, वो लास्ट में पॉजिटिव इंप्रेशन देता ही है। अगर आप इंटरव्यूअर से लास्ट में ये भी पूछते हो सर हैक विद इन्फी का रिजल्ट कब आएगा, या फिर आप ये नहीं तो ये भी पूछ सकते हो सर आगे चल के इफ आई बी सेलेक्टेड व्हाट विल बी माय वर्क इन दिस फील्ड, तो आप ये सब पूछ सकते हो दोस्तों, क्योंकि आई नो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन देता है। ट्राई टू इंटरेक्ट विद द इंटरव्यूअर, जितना आप इंटरेक्ट करोगे, क्योंकि उसको एक बार को ये लगेगा कि ये बच्चा कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में, सो ही विल डेफिनेटली सेलेक्ट यू। अगर आपने अपने टेक्निकल या कुछ पिछले क्वेश्चन पे भी आंसर नहीं दिए होंगे, बट आप इसमें आंसर दे रहे हो, पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर रहे हो इंटरव्यूअर से, तो दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।